हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चिराग फ्रॉम जर्नीफाई ओवरसीज और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CRS स्कोर यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर के बारे में। अगर आप कनाडा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज़ योर CRS स्कोर, बिकॉज आप कनाडा PR के लिए एलिजिबल होते हैं या नहीं और कितनी जल्दी आपको कनाडा PR मिल सकता है, ये आपके CRS स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। सो आइए देखते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं आपका CRS स्कोर। पर अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन कनाडा PR, ओवरसीज एजुकेशन एंड IELTS एग्जामिनेशन। लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट CRS स्कोर। मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि आप किस तरह से CRS स्कोर सही तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। CRS स्कोर कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले गूगल पर सर्च करें CRS स्कोर कैलकुलेटर। CRS स्कोर कैलकुलेटर के लिए आपको कई सारी वेबसाइट्स मिलेगी, बट आई सजेस्ट यू टू चेक योर स्कोर इन ऑफिशियल कैनेडा गवर्नमेंट वेबसाइट जो कि SCIC.GC.CA। सो आप इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करें और इसमें आपको पूरा CRS कैलकुलेटर मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम टूल फॉर स्किल्ड इमिग्रेशन एक्सप्रेस एंट्री। सो इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरह से आप अपना CRS स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन दिया है व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप मैरिड है या सिंगल है वो आपको मेंशन करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल विल मेंशन एज मैरिड। सेकंड इज़ योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर अ सिटीजन और परमानेंट रेसिडेंस ऑफ कनाडा, यानी कि अगर आपके स्पाउस जो है उसके पास ऑलरेडी कनाडा की सिटीजनशिप या फिर PR है तो आपको यस मेंशन करना है। इन दिस केस वी विल मेंशन एज नो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है विल योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर कम विथ यू टू कनाडा, यानी कि आप कनाडा अकेले जाने वाले हैं या फिर अपने स्पाउस के साथ जाने वाले हैं। लेट अस सिलेक्ट एज यस कि आप दोनों साथ में जाने वाले हैं। नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि आपको यहाँ पर आपको अपनी एज सिलेक्ट करनी है। प्लीज़ इंश्योर टू सिलेक्ट प्रिसाइज एज एज पर योर डेट ऑफ बर्थ बिकॉज योर एज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर CRS कैलकुलेशन। अगर आपकी एज 20 से 29 के बीच है तो आपको एज के लिए पूरे पॉइंट्स मिलेंगे एंड आफ्टर 29 यानी 30 से लेके एवरी ईयर आपके 5-5 पॉइंट्स कम होने लगते हैं। सो प्लीज़ इंश्योर टू सिलेक्ट प्रॉपर एज। सो हमने एज सिलेक्ट कर ली, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ योर एजुकेशन, यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन सिलेक्ट करना है। आपको अपना एजुकेशन आपकी WSECA क्रेडेंशियल के हिसाब से सिलेक्ट करना है। कई बार इन सर्टेन केसेस ऐसा होता है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री होती है, बट एज पर द कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम वो मास्टर डिग्री कंसिडर नहीं होती। सो यू हैव टू इंश्योर दैट यू सिलेक्ट प्रॉपर क्वालिफिकेशन एज पर द WSECA क्रेडेंशियल। सो इन दिस केस हम लोग मास्टर डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप मास्टर किया है तो हम लोग मास्टर सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हैव यू अर्न ए कैनेडियन डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यानी कि आपने कनाडा में से किसी भी तरह की अगर पढ़ाई की है, डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास किसी भी तरह की कैनेडियन डिग्री है तो आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे और जैसे आप यस सिलेक्ट करते हैं तो आपको आगे कौन सी डिग्री है उसकी डिटेल मेंशन करनी होगी, पर हम यहाँ पर नो सिलेक्ट करके चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफिशियल लैंग्वेज। कनाडा में दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश और फ्रेंच। सो आपके पास एटलीस्ट दो में से एक लैंग्वेज पे प्रोफिशिएंसी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पर नो सिलेक्ट करते हैं तो सीधा आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर आ गया, बेस्ड ऑन योर आंसर्स यू डू नॉट अपीयर टू बी एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री एट दिस टाइम, यानी कि आपके पास दो में से एक लैंग्वेज पे प्रोफिशिएंसी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पर यस सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में आपको पूछेगा कि विच लैंग्वेज टेस्ट डिड यू टेक फॉर योर फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। सो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसके लिए दो एग्ज़ाम है, IELTS और CELPIP। इंडिया में ज़्यादातर IELTS पॉपुलर है, सो हम लोग IELTS सेलेक्ट करते हैं। सो उसके बाद आपको मेंशन करना है कि IELTS में इंडिविजुअली आपको कितने बैंड्स मिले हैं। अगर आपको हाईएस्ट पॉइंट चाहिए फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देन यू नीड टू हैव एटलीस्ट 8777 बैंड्स, यानी कि लिसनिंग में 8 बैंड्स एंड रेस्ट ऑफ द स्किल्स यानी कि रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग में 7 बैंड्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 8777 बैंड्स मिलते हैं देन यू कैन स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन योर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्किल्स। सो लेट्स एज्यूम कि हम लोग 8777 बैंड लेके चलते हैं, यानी कि स्पीकिंग में 7, लिसनिंग में 8, रीडिंग में 7 और राइटिंग में भी 7। Once you select this, the next option is they will ask you, do you have other language result? यानी कि आपने अगर French language सीखी है और French language की कोई examination दी है तो उसका अगर कोई result है आपके पास, उसमें दो option है TEF और TCF। अगर आपने exam दी है तो आप यहाँ पर select करके उसकी detail mention कर सकते हैं, but हम इस वक्त not applicable लेकर आगे बढ़ते हैं। Next is all about your work experience।
सबसे पहले आपको पूछेगा कि अगर आपके पास कनाडा का कोई वर्क एक्सपीरियंस है, यानी कि अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं, कनाडा में जॉब कर रहे हैं और वहाँ से पीआर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए ये एप्लीकेबल होता है, या फिर आपने पास्ट में कभी कनाडा में काम किया है तो आप इसमें येस सेलेक्ट करके उसकी डिटेल मेंशन कर सकते हैं, पर हम इस वक्त नो लेकर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज इन लास्ट 10 ईयर्स डू यू हैव एनी काइंड ऑफ फॉरेन स्किल वर्क एक्सपीरियंस। फॉरेन स्किल वर्क एक्सपीरियंस यानी कि आपने अपने खुद के कंट्री में या फिर किसी और कंट्री में, यानी कि अपार्ट फ्रॉम कैनेडा, अगर आपके पास किसी और कंट्री का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर मैंशन करना है कि आपके पास कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है। नाउ दिस इज ऑप्शन फॉर 1, 2, and 3 year or more, यानी कि आपके पास 3 या उससे ज़्यादा साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको सेम पॉइंट्स कंसिडर होते हैं, यानी कि आपके पास 3 साल, 5 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आपको सेम पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस पर हम लोग 3 years और मोर लेकर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम कैनेडियन प्रोविंस, टेरिटरी और फेडरल बॉडी। यानी कि कैनेडा में कई सारे प्रोविंस होते हैं और उसमें सर्टेन स्पेसिफिक टाइप के स्किल्ड क्वालिफिकेशंस दिए जाते हैं, तो अगर आपके पास किसी भी तरह का किसी प्रोविंस का स्किल्ड सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है तो आप उसमें यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इसमें नो सिलेक्ट करेंगे। और जैसे कि आप इसमें लास्ट में देख सकते हैं, दिस इजंट सेम एज नॉमिनेशन फ्रॉम प्रोविंस और टेरिटरी, यानी कि दिस इज नॉट योर पीएनपी नॉमिनेशन। पीएनपी यानी कि प्रोविंशियल नॉमिनेशन इज डिफरेंट थिंग, दिस इज जस्ट द प्रोविंशियल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास है तो आप यस सिलेक्ट करेंगे, पर हम इस वक्त इसमें नो सिलेक्ट कर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर सपोर्टेड बाय लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट, यानी कि आपके पास LMIA अप्रूव्ड कोई जॉब ऑफर है, अगर है तो आप यस सिलेक्ट करके इसमें आगे की डिटेल मेंशन करेंगे, नहीं तो इफ़ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ जॉब ऑफर यू हैव टू मेंशन एज नो। तो इस वक्त हम यहाँ पर नो मेंशन कर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी, यानी कि अगर आपने पीएनपी के लिए अप्लाई किया है और आपको किसी भी प्रोविंस से प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिला है तो आप यहां पर यस सिलेक्ट करके उसकी डिटेल मेंशन करेंगे, अगर नहीं मिला है तो आप यहां पर नो सिलेक्ट करेंगे। तो इस वक्त हम नो सिलेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू और योर स्पाउस और कॉमन लॉ इन पार्टनर If they will come with you to Canada, have at least one brother or sister living in Canada who is citizen or permanent resident. यानी कि आपका या आपके स्पाउस का या आपके वाइफ का कोई ब्लड रिलेटिव अगर कैनेडा में है जो ऑलरेडी वहाँ का PR होल्डर या फिर कैनेडा का सिटीजन है तो आपको यहाँ पर येस मैंशन करना है और उसकी डिटेल डालनी है, अगर नहीं है तो आप नो मैंशन करें इसमें। तो इस वक्त हम इसमें नो मैंशन करके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन फॉर विच योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर्स हैज़, यानी कि आपकी स्पाउस या आपकी वाइफ का हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पर आपकी स्पाउस का भी क्वालिफिकेशन आपको WES असेसमेंट के हिसाब से ही सिलेक्ट करना है। सो इन दिस केस हम लोग बैचलर्स सिलेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लास्ट 10 ईयर्स हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा डस योर स्पाउस और कॉमन लॉ इन पार्टनर है, यानी कि अगर आपके स्पाउस को कैनेडा का कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहां पर उसकी डिटेल मेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करते हैं। तो इन दिस केस हम लोग नो सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज, डिड योर स्पाउस और कॉमन लॉ इन पार्टनर टेक लैंग्वेज टेस्ट। अगर आपके स्पाउस ने IELTS एग्जामिनेशन दी है या फिर कोई और एग्जामिनेशन दी है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन करेंगे, अगर नहीं दी तो फिर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। तो इन दिस केस हम लोग IELTS एग्जामिनेशन सिलेक्ट करेंगे और सभी स्किल्स में यानी कि स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग में 6 बैंड्स सिलेक्ट करेंगे। फॉर योर स्पाउस इट इज़ नॉट कंपलसरी टू गेट 8777 बैंड, डेफिनेटली अगर उनको भी 8777 बैंड आते हैं तो हाईएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो मिलेंगे, पर उनके लिए 8777 बैंड लाना कंपलसरी नहीं है। तो हम लोग इस वक्त 6 बैंड लेकर आगे बढ़ते हैं। सो जैसे ही आप उनकी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग के मार्क्स मेंशन करेंगे तो आप लास्ट में देख सकते हैं कि ऑप्शन आ गया कैलकुलेट योर स्कोर। तो अब हम कैलकुलेट योर स्कोर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका स्कोर टेबल जनरेट हो जाता है। सो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कोर ह्यूमन कैपिटल फैक्टर, जिसमें आपकी सारी डिटेल है, यानी कि आपकी एज के लिए आपको 95 मार्क्स मिले। जैसे मैंने कहा था 29 यू गेट 100 फुल 100 मार्क्स, और 29 के बाद एवरी ईयर 5 मार्क्स गेट्स डिडक्टेड। सो फॉर 30 एज इट इज़ 95 मार्क्स। लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए 126, यानी कि फॉर मास्टर्स यू गेट 126 मार्क्स। अगर ये PhD या डॉक्टरेट होता देन यू वुड हैव गॉट फुल मार्क्स, दैट इज 100। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 116 मार्क्स मिले हैं। सो टोटल
इन दिस कैटेगरी टोटल इज 337। उसके बाद स्पाउस के मार्क्स हैं। फॉर स्पाउस हमने लेवल ऑफ एजुकेशन बैचलर मेंशन किया था, जिसके लिए हमें 8 मार्क्स मिले, और फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, और आयल्स एग्जामिनेशन का 666 मेंशन किया था, जिसके लिए हमें 12 मार्क्स मिले। सो टोटल फॉर स्पाउस फैक्टर वी गॉट 20 मार्क्स। नेक्स्ट इज स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर, यानी कि एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। सो फॉर एजुकेशन ऑफिशियल लैंग्वेज में सिंस वी मेंशन इज 8777 बैंड, वी गॉट फुल 50 मार्क्स। और वर्क एक्सपीरियंस हमारा 3 साल से ज़्यादा का था, तो फॉर दैट ऑल्सो वी गॉट फुल 50 मार्क्स। तो इसमें हमें टोटल 100 पॉइंट्स मिले। सो यहाँ पर हमें टोटल मिला कोर या ह्यूमन कैपिटल, स्पाउस फैक्टर्स प्लस स्किल ट्रांसफरेबिलिटी का मिला के 457। टोटल मैक्सिमम पॉइंट जो इसमें होते हैं दैट इज 600। सो 600 में से हमें मिले 457 पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी मेंशन इन द फॉर्म। सो देर इज अनदर कैटेगरी फॉर विच देर इज अगेन टोटल 600 पॉइंट्स, जो जिसमें आपके पास अगर प्रोविंशियल नॉमिनेशन है, या फिर कैनेडियन एजुकेशन है, या फिर कन्फर्म LMI अप्रूव जॉब ऑफर है, या फिर फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशंसी है, तो आप उस 600 में से भी कुछ पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं जो आपके टोटल पॉइंट में ऐड हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ द CRS स्कोर इज कैलकुलेटेड। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस फैक्टर के लिए आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं, तो यू कैन ऑल्सो रिफर टू CRS स्कोर कैलकुलेशन टेबल, जिसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द CRS स्कोर कैलकुलेशन टेबल, जिसमें मेंशन किया है कि आपको किस कैटेगरी के लिए कितने पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज एज, अगर आप एज की बात करें, तो अगर आप अपनी स्पाउस के साथ जाते हैं तो एज के लिए मैक्सिमम आपको 100 पॉइंट्स मिल सकते हैं, दैट इज टिल द एज ऑफ 29। सो आप नीचे अगर जाएंगे तो यू कैन सी योर एज टेबल। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द एज टेबल। अगर आपकी एज 20 से 29 तक है तो आपको पूरे 100 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपकी एज 29 से ज़्यादा होती तो एवरी ईयर 5 पॉइंट्स गेट डिडक्टेड। सो इस तरह से इस टेबल में आपका एजुकेशन के लिए आपको किस एजुकेशन के कितने मिलते हैं, आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के हिसाब से कितने मिलते हैं, वो पूरा डिटेल आप इस टेबल में रेफर कर सकते हैं। विल मेंशन द लिंक फॉर द टेबल एज वेल एज CRS स्कोर कैलकुलेटर इन आर डिस्क्रिप्शन। सो गाइज, दैट वॉज ऑल अबाउट योर CRS स्कोर कैलकुलेशन। अगर आप अपना एक्यूरेट CRS स्कोर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले WES असेसमेंट कराना होगा और IELTS एग्जामिनेशन देनी होगी, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ योर WES रिपोर्ट एंड IELTS एग्जामिनेशन आप एक्यूरेट CRS स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर CRS स्कोर यू कैन चेक वेदर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर कैनेडा PR और नॉट। इन केस यू हैव एनी फर्दर डाउट अबाउट CRS स्कोर, या फिर और कोई फर्दर डिटेल या क्लैरिफिकेशन चाहिए, देन प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आप हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें फ़ोन या ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैंशन है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ऑन कैनेडा PR, ओवरसीज एजुकेशन एंड IELTS एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।